Hi, this is Garvita Sadwani and you are watching Cine Talkers Media. नहीं नहीं जेन्युइनली वो जेन्युइनली करी है, उसे नहीं पता अरमान बाहर खड़ा है और देख रहा है। दादी सा उसे तो रूही बहुत प्यार करती है जेन्युइनली, और दादी सा की तबीयत खराब हो गई तो रूही को बहुत गिल्टी भी फील हो रहा है एंड वो उनका ध्यान भी रख रही है और एक बहू होने का फर्ज निभा रही है, उसमें कोई दिखावा नहीं है। कौन सी बातें? अब तो अरमान ने वादा कर ही दिया है कि 3 महीने बाद वो डिवोर्स ले लेगा और हमारे बारे में घर वालों को बता देगा, तो रूही तो बस इसी बात पे डिपेंड कर रही है और होप कर रही है कि बस अरमान अपना प्रॉमिस फुलफिल करे। तो वो काफी कॉन्फिडेंट है ये सबको लेके, बस उसको डर ये लग रहा है कि अभीरा अपना प्यार बता देगी तो कहीं अरमान भी उस तरफ ना चले जाए, बिकॉज अभीरा भी एक अच्छी लड़की है, तो कॉम्पिटिशन है, तो उस सेंस में शी इज स्कैर्ड। बट अदरवाइज अरमान ने तो कभी उसे ऐसा फील ही नहीं करवाया रूही को कि वो प्यार नहीं करता है, होप्स दी ही है कहीं ना कहीं हमेशा। यही कि प्लीज थैंक यू सो मच फॉर लविंग ये रिश्ता एंड फॉर लविंग आर कैरेक्टर्स, फॉर लविंग द फैमिली, फॉर लविंग ऑल द सीक्वेंसेज। अभी हमने बहुत अच्छा गणगौर का सीक्वेंस शूट किया एंड वो भी टीवी पर आ रहा होगा, तो प्लीज़ आप उसे देखते रहिए क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत और काफ़ी गर्मी और काफ़ी खून पसीने के साथ वो एपिसोड्स शूट किए हैं एक लोकेशन पर जाके, तो आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो विजुअली भी और स्टोरी वाइज भी। एंड उसी में आपकी फेवरेट अभीरा अरमान की जोड़ी का भी कुछ रोमांटिक डांस सीक्वेंसेस भी हैं, तो प्लीज़ आप उन एपिसोड्स को देखिएगा। और रूही भी थोड़ी थोड़ी जेलस हो रही है वहाँ पे, तो आप सबको बहुत मज़ा आएगा जो ट्विस्ट आने वाला है उससे। कट।